हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पे ना मैं होम मेड जो कागज़ होता है या फिर जो शादी के कार्ड होते हैं ना, मैं उनसे ना बहुत ही अच्छा एक गुलदस्ता बना के रखी हूँ। या फिर समझ लीजिए आप कि अब अपने बच्चों का ना इसमें पेन पेंसिल कलर सब इकट्ठे करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ये वीडियो बना के ज़रूर देंगे फ्रेंड। तो इधर ना मैंने बनाया था अपने बच्चे के खेलने के लिए, तो मैंने दो बनाया था। ये देखिए मैंने अलमारी पे रख दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड देखने में भी, और बहुत प्यारा भी लग रहा था और बहुत ही आसानी से बन गया। यहाँ पे एक अहलाउट था, उसको भी मैंने ना दीवार में अच्छे से इसको चिपका दिया था। देखिए इसमें मैंने तीन कंघी और तेल और यहाँ पे एक मॉइस्चराइज़र, दो तीन ट्यूब थी, मैंने सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दिया था। नेल कटर वगैरह सारे सारे कुछ इसमें आ गए थे। कभी कभी होता है फ्रेंड कि हम ना पन्नी उन्नी में टांग देते हैं कीली उली करके या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से। तो अगर आप चाहें ना इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। चीज़ें अच्छी भी लगनी चाहिए और प्लस काम भी हो जाए। और ये सब आपके जो होम मतलब आपके घरों में होती हैं उनसे मिलकर ये चीज़ें बनती हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना एंड कॉमेंट करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। मैंने ना एक शादी कार्ड से इसको काट के ना मैंने बनाया था। एक गोंद होता है जो 150 रुपये का आता है, तो मेरे पास पड़ा था। आप इसको फेविक्विक से भी बना सकते हैं, वो बड़ा वाला फेविक्विक था जो 150 का आता है और छोटे वाले से 5 का आता है। तो मैंने ना इसको बहुत ईजी और आसान तरीके से बनाया है फ्रेंड। एक जो छोटा बनाया है उसमें ना मैं अपने बिटिया का क्लिप चिमटी वगैरह सब रखने वाली थी। तो ये इसी तरीके से फ्रेंड आप इसको ना टांग भी सकते हैं, आप अलमारी पे रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने ना इधर कागज़ का ना गुलाब जैसे रोज होता है ना, उस गोल कटिंग करके मैंने इसको लगा दिया है। बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए राधा रानी इसमें बनी है और मुझे सच में बहुत पसंद आया। अब देखती हूँ मेरे बच्चे को पसंद आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो स्कूल गया है और मैं बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही हूँ फ्रेंड। इसी तरीके से आप भी अपने घरों में बना सकते हैं और इसमें ना आप कुछ भी रख सकते हैं। ब्रश हो गया, मंजन हो ब्रश हो रख सकते हैं, पेंसिल। सबसे बेटर ये है जो छोटा वाला है, उसमें आप ना शॉर्पनर और ये इरेजर रखिए, और उसमें कलर हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर आपके जो ब्रश वगैरह होते हैं मेकअप का उसमें आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी फिर ना तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। आज की वीडियो बस यही आप लोग को बताने के लिए या फिर सिखाने के लिए थी कि आप लोग भी अपने घरों के सामान से क्या क्या बना सकते हैं। तो बस मेरे दिमाग में आइडिया आया, बस ना मैंने इसको देख के बनाया और ना ही कहीं मैंने सीख के बनाया। हम लोग बचपन में जो कागज़ खेलते थे या चिपका के लेई से बनाते थे, झलरी वगैरह कुछ ऐसे करके, बस उसी तरीके से बस दिमाग होना चाहिए, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको ना मैंने बना के रेडी किया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लग कैसे रहा है। तो ये जो बड़ा वाला था ना, मैंने इसमें पेंसिल रखने के लिए बनाया था और कलर रखने के लिए बनाया था, और मेरा बच्चा अपना जो खेलने वाला छोटा मोटा सामान है सब उसमें भर सकता है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। अब आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड।